अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज का टॉपिक मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, तो जस्ट बियर विद मी। और इसके अंदर एक रिकमेंडेशन भी है एक मूवी की, जो कि मैंने अपनी लाइफ में पता नहीं कितनी दफ़ा देखी। वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज़। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी कि जब मैंने एक दो मूवीज़ की लिस्ट भी बनाई है स्पिरिचुअल मूवीज़ की, तो उसमें इसको मैं आई डोंट थिंक, मुझे याद नहीं है कि इसको ऐड कर सका हूँ। तो आज इस वीडियो के तवसत से जो है ना, मैं उस मूवी का जो है ना लाजमी जिक्र करना चाहता हूँ। मूवी का नाम था द फाइट क्लब। नाम तो बड़ा ऐसे जैसे बड़ा फाइटिंग का सीन होगा, बट इंटेलेक्चुअली शायद आज तक की सबसे जो है ना स्ट्रॉन्ग मूवीज़ में से एक है ये। तो मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ और आज के टॉपिक के साथ इसका रिलेशन क्या है। इसकी कुछ लाइंस हैं बड़ी वायरल सी हैं, मैंने कई दफ़ा उनको अपने सोशल अकाउंट्स पे शेयर भी किया है ना। वो बड़ी टची लाइंस हैं। अब टची इन सेंस है कि बड़ी थॉट प्रोवोकिंग किस्म की लाइंस हैं। अब एक उसकी बड़ी खूबसूरत लाइन थी कि वी आर मिडल चिल्ड्रन ऑफ हिस्ट्री, नो ग्रेट डिप्रेशन, नो ग्रेट वॉर, कुछ भी ऐसा नहीं है। कुछ सेंस ऑफ पर्पस, क्योंकि वहाँ पे जो ये बात कर रहा है ना, वो कह रहा है कि एक सेंस ऑफ पर्पस होता था। कि डिप्रेशन में बता दूं हमें, ये वाला तो दिमागी में डिप्रेशन है ना, बट यहाँ पे जो डिप्रेशन की बात कर रहा था ये यूएस के अंदर आया था। डिप्रेशन आप ये कह सकते हो कि जब इकोनॉमी बहुत बुरे हालातों में चली जाए ना, तो उसको कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन आ गया। तो इसी तरह वार्स, वर्ल्ड वॉर 1 लगी हुई है, 2 लगी हुई है, सब लोग जो है ना एक एनिमी है, उसे लड़ना है, एक पर्पज़ है, ठीक है। तो और मज़े की बात ये कहते हैं, एक तहकीक के मुताबिक दुनिया की लास्ट 3,000 सालों में इंसान ने 5,000 जंगें लड़ी हैं। मतलब हर साल तकरीबन 2 जंगें इन्होंने लड़ी हैं। ये जंगों के शिदाई हैं हम इंसान। और उसकी रीज़न ये हो सकती है, सर्वाइवल भी रीज़न है, और दूसरा ये है कि एक सेंस ऑफ पर्पज़ रहा है हमेशा। क्योंकि वॉर लगी हुई है, हम सही जगह पे खड़े हैं, नेक्स्ट जो है वो रॉन्ग है, और जो है ना अच्छाई और बुराई की हर टाइम जंग लगी हुई है। अच्छाई के साथ हैं आप लोग, और हर एक को लगता था कि हम अच्छाई के साथ ही हैं, और दोनों साइड्स को यही लग रहा है, मार रहे हैं, मर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। वैसे तो आज तक हम बाज नहीं आए, आज भी दुनिया में खड़े 2-3 जंगें तो अभी भी लगी हुई हैं। तो थिंग इज, ये चीज़ एक सेंस ऑफ पर्पज़ रखता था। अब यहाँ पे वो बोलता है कि हम मिडल चिल्ड्रन हैं इस हिस्ट्री के, कोई जंग नहीं ऐसी खास लगी हुई कि जीना मरना हो, ठीक है। और स्पेशली आज के मैं जो ये जो हमारी मेंटल हेल्थ की ज़्यादा बीमारी है ना, ये आती तब है तब जब हमें कोई सेंस ऑफ पर्पज़ नहीं मिलता। और हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब इस मूवी का जो मेन पर्पज़ है, वो बोलता है कि वी आर जस्ट अ कंज्यूमर्स, और हम कंज्यूमर की तरह ही सोचते हैं। जो ऊपर बैठी एलीट है ना, उसने हमें कंज्यूमर ही बनाया अपना, और उससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं हैं। हम 7 अरब की आबादी हैं, हम 7 अरब कंज्यूमर्स हैं जो चीज़ें खरीदते रहे बस बैठ के। और इस सिस्टम को, इस लीड को, इस नहूस सिस्टम को जो है वो हम सपोर्ट करते रहे हैं। और वो ये हमें छोटे छोटे सेंस ऑफ पर्पसेस देते हैं, और हम उसके अंदर पूरी ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं। अच्छा टेबल होना चाहिए, अच्छा बेड होना चाहिए, अच्छा मेरे पास जो है ना वार्डरोब ऐसी होनी चाहिए जो मेरी शनाख्त के हिसाब से हो कि मेरी है ये, कहते हैं, और पता चले कि मेरे मुताबिक वो बनी हो, इस कलर की हो, इस तरह सब कुछ हो, मैं ये वाला बर्गर खा लूँगा, मैं ये चीज़ ऐसे कर लूँगा, ठीक है। तो ये सारी जो सोच है ना आपकी, ये जो 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 कुछ मैं कर रहा हूँ, हम सब लोग करते हैं। ये वाली गाड़ी आ जाए ना, बस मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है, मुझे ये वॉच बहुत पसंद है, मुझे ये जो है ना ड्रेस बहुत पसंद है, वो सब कुछ जो है ना ये कंज्यूमर थॉट है। और उस कंज्यूमर थॉट ये इसी ने हमें, वो आप समझ लो कि वो छोटे छोटे से पर्पस कराए होंगे। बट इवेंचुअली क्या होता है कि हम में से किसी को कोई फुलफिलमेंट नहीं मिलती इस सब के अंदर। जो मर्जी कर लो, मेंशंस खरीद लो, सब कुछ कर लो। एक और बड़ी प्यारी लाइन थी कि द रिच इज़ अ न्यू होली, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन है, रिच इज़ अ न्यू होली। पहले जिस तरह कहते हैं वो पॉप्स वगैरह जो होते थे ना, वो बहुत होली कंसिडर किए जाते थे। फिर इसी तरह जो ज़्यादा आप पुराने ज़मानों में चले ना, जो ज़्यादा स्पिरिचुअल होता था, हालांकि वो लोगों से मांग के खाना खाते थे, ये साधु होते थे, बट उनकी इतनी इज्जत होती थी।
उनको होली समझा जाता था, ठीक है। तो मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 4,000-5,000, आप लाओ त्ज़ू के ज़माने से शुरू हो जाओ, बुद्ध के ज़माने से शुरू हो जाओ, वो और पीछे चले जाओ चले जाओ, तो शुरू से ही ना इन लोगों को बड़ा होली समझा जाता, बड़े स्पिरिचुअल, बड़े इंटेलेक्चुअली जो है ना। फिर आप ये इधर आ जाओ, क्या नाम है, जिसके अंदर ये सुकरात आ जाते हैं, प्लेटो आ जाते हैं, तो फिलोसोफर्स, फिर जो इंटेलेक्चुअली इतने स्ट्रॉन्ग थे, उन लोगों की इतनी वाह वाह होती थी, उनको बड़ा अजीम समझा जाता था। अब ऐसा नहीं है। आज के मुझे बताओ, जो कहते हैं स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, किन को आइडियलाइज करते हैं? जो अमीर अमीर कॉरपोरेट ओनर्स हैं, जिन्होंने एडिक्शन दी हुई है, ठीक है, ये कोई आपको कहते हैं सोशल टूल्स दे दिए हैं, पता नहीं क्या कुछ दे दिया बना बना के, और खुद अरबों खरबों पति हैं वो आज, और वो ही जो है आज वो जो रिच है ना, उसने अपने आप को ऐसा होली बना लिया कि हर इंसान को रिच होना, हर इंसान को रिच होना। और वो एक बड़ी प्यारी बात, अगेन मैं मूवी के बार बार आपको कॉन्टेंट बताता चला जाता हूँ, मैं उसकी स्टोरी तो नहीं स्पॉइल करूँगा ज़्यादा, आप लोगों को लाजमी देखनी चाहिए, बट वो कहता है कि हमें इस मीडिया ने, इन सारी चीज़ों ने एक चीज़ बता दी कि एक दिन आप मिलियनियर बन जाओगे, एक दिन आप कोई सुपरस्टार बन जाओगे, और बचपन में हम यही सोचते हैं, और सडनली हमें रियलाइज़ होता है कि आपने ऐसा कुछ नहीं बनना ना, ये चीज़ डिप्रेशन क्रिएट कर, हमारे साथ मरना ही ये है। ए आज देखो इतने मोटिवेशनल स्पीकर, वो आप ये कर लो ऐसे हो जाओगे, दिन में ऐसे कर लो फलां हो जाओगे। आजकल बड़ी एक वीडियो भी वायरल हुई हुई है, वो इंडिया की थी, कि वो बैटिंग यानी जुआ शुआ जो ऑनलाइन होता है, तो उसमें कहा कि जी एड्स आते हैं, बड़े बड़े लोग आके एड्स करते हैं कि आप इतना अमीर हो जाओगे, पैसे इन्वेस्ट कर दो फलां कर दो। वो कहता है कि कहते हैं मेरी माँ जो है टीचर मेरे से बात नहीं करती, तो रोने लग गया ऑब्वियसली, मेरे ऊपर कोई 98 लाख का कर्जा है, तो इस तरह। तो समझने की कोशिश करो हम लोग किधर जा रहे हैं, हम अपनी पसंद की चीज़ें इकट्ठी करी जा रहे हैं कंज्यूमर्स की तरह, जिस तरह चूहे नहीं होते, बस उनको एक मशीन कंडीशनिंग कर दी गई, ऐसे ऐसे करी जो करते जा रहे हो करते जा रहे हो। तो सेम इज जो है ना, ये इस पूरी मूवी का जो है ना वो एक पूरा एक थीम था। इसी तरह मतलब वो उसके अंदर वही जिक्र करता है कि एक बड़ी प्यारी बड़ी मशहूर लाइन इसी तरह कि वी डू जॉब्स वी हेट, वी बाय थिंग्स वी डोंट नीड, और वाइट कलर स्लेव्स हैं बेसिकली हम लोग, होटलों में जाके बैठे होते हैं लाइन में। वो मैं देखा हुआ लाहौर में कोई होटल खुल गया तो लोग 3-3 घंटे वेट कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे जाके खाना खा सीट मिलते जी। कंज्यूमर मतलब देख चेक करो, कहीं पे 50% सेल लग जाएगी, लोग पागलों की तरह एक दूसरे के ऊपर धक्कम पेल। जस्ट इमेजिन कि हमें किस हद तक कंडीशन किया गया। सो पूरा जो इसका मोटो था ना, नाउ इफ दिस इज नॉट अ गोल, ये कंज्यूमर माइंड है, बस इनकी चीजें खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो बस, और कुछ नहीं करना, मर जाओ, नया बच्चा जमाओ वो भी खरीदता रहे, गैर जरूरी चीजें खरीदता रहे जिसका कोई सर पैर नहीं है, और ख्वाब दिखाते रहो बैठ के इनको कि एक दिन ये बन जाएंगे, एक दिन सुपरस्टार बन जाएंगे। वो अगेन वो सर्वेस करो ना, तो हर 3 में से 2 बंदा बोलता है कि मुझे फेमस होने का बहुत शौक है। ये आप देख सकते हो, ये जो सोशल टूल्स हैं हमारे, ये टिकटॉक वगैरह पता नहीं ढेर लगा पड़ा इस तरह के टूल्स हैं, और वहाँ पर लोग धड़ाधड़ हर एक को लगता है बस मैंने एक सुपरस्टार बनना है, मैंने आई नीड टू बिकम समथिंग, इतनी भूख है वो फेम की। ये सारी चीज़ें कंडीशन हमारे दिमागों में घुसाई गई हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें, गैर ज़रूरी सोचें, गैर ज़रूरी गोल्स, और इवेंचुअली क्या होता है, हर बंदा जो है, हर बंदा मेंटल डिसीज का शिकार है, हर बंदा डिप्रेस्ड है, कोई फुलफिल नहीं। सो सेंस ऑफ पर्पज़ किस तरह दिया जाए। सॉरी मैंने ये कोई 10 मिनट ले लिया सिर्फ इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारी मिजरीज क्या हैं, मिजरीज की रीजन्स क्या हैं, हम क्यों फुलफिल नहीं हो पा रहे, और ये जो सब कुछ हम अपना गोल समझ रहे हैं, मुझे अमीर हो जाना है, मेरे पास ये गाड़ी आ जाए, मेरे पास ये लड़की आ जाए, मेरे पास ये मर्द आ जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये सब बकवास है, ये कभी आपको फुलफिलमेंट नहीं दे सकता। सो फुलफिलमेंट क्या चाहिए था? उसका ना एक बड़ा प्यारा, अगेन मैं मूवी की तरफ आता हूँ, उसमें ना वो उससे मुझे पहला इंटरेक्शन होता है ना 2 मेन करेक्टर्स का, समझ लो
समझ लो मेन दो मेन करेक्टर, वो बेसिकली वहाँ एक ही होता है, अगर आप देखोगे तो पता चल जाएगा। दोनों मेन करेक्टर का जो होता है ना, तो वो उससे पूछता है कि आप करते क्या, तो उसका जवाब ये नहीं होता मैं फलां करता हूँ, वो कहता क्यों, ताकि मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं ये चीज़ करता हूँ, उसके हिसाब से तुम मुझे मतलब झूठ बोल के मुझे कहोगे अच्छा ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है, मुझे इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मतलब इट मतलब ये सेंस ही मटेरियलिस्टिक सोच ही उसने साइड पे कर दी, और ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था। तो आई रियली विश आप लोग भी इसी तरह जो है ना बड़ा तसल्ली से बैठ के इस मूवी को देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। नॉट द गोल, हम आते हैं कि फिर लाइफ को पर्पस किस तरह मिलेगा, मीनिंग किस तरह मिलेगा, हम किस तरह जा सकते हैं। तो इसी से ही मैं एक लेता हूँ, या नीचे जिस तरह बोलता था वो, कहते हैं कि पहला स्टेप तो ये है कि इस कंडीशनिंग से बाहर निकलो। नाउ आपकी सोच होनी चाहिए, ये जो आपको सोसाइटी ने सारे सबक पढ़ाए हैं ना वो नहीं होने चाहिए, जो आप इस सारी कंडीशनिंग से बाहर निकल के सोचो कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, गो फॉर इट, वो करो, उसी में ही फुलफिलमेंट। मुझे कोई ऐसी चीज़ प्लीज नहीं करती मेरे सामने कोई आके कहते हैं कि मैं कोई खरबोपति आदमी हूँ या फिर, क्योंकि मेरा तो गोल ही इसके अल्टरनेटिव है, मुझे ये सारा सिस्टम ही स्टूपिड लगता है, मेरे सेंस में नहीं आया, सब पढ़ पढ़ा के मेरे सामने जो मर्जी बढ़ा कैपिटलिस्ट बिठा दो, मुझे नहीं समझ आती इस फजूल से सारे सिस्टम की, इस पूरे मॉनिटरी सिस्टम की। सो मैं फुलफिल्ड हूँ आप लोगों के साथ किसी के साथ बैठ के इसको गाली देने, मैं अब मेरी एक छोटी सी जिंदगी है ना, छोटा सा एक बबल ही बन के ख़त्म हो जाऊंगा, बट मैं अगर एक इंसान को भी ये समझा पाऊँ कि ये पूरा सिस्टम जो है ये ईवलिश है, ठीक है, इसमें 100 में से 99 लोग जो हैं भूखे मरते हैं और 1% जो है वो यशी करता है, तो मुझे तो ये नहीं समझ आता ना, मैं इसको आइडियलाइज करता हूँ ना, ये कंज्यूमर थॉट को मुझे समझ आती है कि गैर जरूरी चीज़ें ले लेके इकट्ठी करता रहा, तो मुझे सबकी नहीं समझ आती। हाँ आई एम बोर्न टू डू थिंग्स आई डोंट लाइक, ठीक है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं मेरे अकेले से पूरा सिस्टम चेंज नहीं हो जाना, और जब तक ये चेंज नहीं होता मुझे इसका पार्ट ही बन के अपना भी पेट पालना है, अपने बच्चों का भी पालना है। तो बट फुलफिलमेंट किधर, जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे अगर कभी कुछ हो ना, तो मेरा एक काम है मैं बैठ के स्टडी करूँ, मैं बैठ के डॉक्यूमेंट्रीज देखूँ, जो भी चीज़ मुझे जिस एग्जिस्टेंस के रिलेटेड समझ आती है, आई लव टू डू दिस एंड आई लव मेकिंग दिस वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करके। आप लोगों को शुक्रिया, आप लोग भी पसंद करते हो, जो जितने भी लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, सलामत रहें, खुश रहें। तो थिंग इज आप देखो कि क्या आपको वाकई किसी चीज़ की इस चीज़ की ज़रूरत है जो आप ले रहे हो, क्या वाकई इस चीज़ को खाने से आपको खुशी मिलेगी, क्या वाकई इस तरफ जाने से आपको इस तरह होगा, क्या ये कंडीशनिंग है किसी वो बचपन से आई हुई, या आपका एक आजादाना सोच। और दिस फ्रीडम मेरी मेरा अगर कोई मेरे से पूछे तो लाइफ का गोल क्या होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए, वो है एब्सोल्यूट फ्रीडम, बस, जिसके अंदर सोसाइटी और इस सब की सब जो कंडीशनिंग है ये आपको इन्फ्लुएंस ना कर रही हो। देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर यू लाइक टू डू, और उसी के अंदर आपको सेंस ऑफ पर्पज नजर आना शुरू। मैं बड़ा हैरान होता था, ये बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जो इंकलाबी थे, ची गुएरा था, इस तरह के बड़े 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 लोग हैं जो बड़ी बड़ी यंग एज में ख़त्म हो गए। हमारा बहुत बड़ा एक हीरो था ये भगत सिंह, तो वो देख लो वो ब्रिटिश, वो उसके खिलाफ इतना यंग, उसके कभी बैठ के आप उसके बारे में पढ़ना आपको पता चलेगा इंटेलेक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग बच्चा था, लेकिन बहुत छोटी एज थी उनकी। तो बट वो कंडीशन नहीं है, सोसाइटी के हिसाब से नहीं चलता है, उन्होंने अपना दिमाग अप्लाई किया, ठीक है, और ही वॉज राइट, मर गए तो मर गए। जिस तरह वो मैं अक्सर बोलता हूँ जिदू बोलते होते हैं कि उसको किसी ने कहा कि अगर हम करप्शन नहीं करें या 2 नंबरी ना करें किसी चीज़ में हम तो भूखे मर जाएंगे, तो फिर कहता मर जाओ यार, इतनी बड़ी डील की उम्र आ ली है कि मैं जिंदा हूं, ठीक है मर गए तो मर गए, बट जितनी देर तक जिंदा हो आज़ादी से जिंदा रहो। मेरे नज़दीक इससे बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोल लाइफ को नहीं दिया जा सकता। खैर मेरा आज का इतना ही पैगाम था, और इंशाल्लाह फिर बात होती है, अल्लाह हाफिज़।